नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आज की वीडियो में आपसे बात एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की कि जिसका कुछ सब्जेक्ट का या कहें कि लगभग 80% सब्जेक्ट का रिजल्ट आया है या कहें कि परिणाम आया है। इसको आप रिजल्ट कह लीजिए या स्कोर कार्ड कह लीजिए या अंकों का डिवाइडेशन कह लीजिए, वो आ चुका है और कुछ ही मिनट पहले आया है और आज आपको ये वीडियो प्राप्त हो रहा है। जैसे कि जिन लोगों ने सी यू सेट के एग्ज़ाम दिए थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के, पहले उनका परिणाम आया यानी कि स्कोर कार्ड आया, उसके बाद काउंसलिंग का प्रोसेस और फिर इंटरव्यू। उसी प्रकार इस केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी कुछ इसी प्रकार का हुआ है। आपने पेपर दिया है और अब उसका परिणाम आया है, लेकिन ये जो परीक्षाओं का परिणाम आया है यह दो विषयों का आया है यानी कि दो डिग्रियों का आया है, क्योंकि दो डिग्रियों का आ चुका है यूजी और पीजी का, और उसके एडमिशन का प्रोसेस यूजी का तो चालू ही है और पीजी का प्रोसेस 18 नवंबर से चालू होने वाला है। पीएचडी और एमफिल का प्रोसेस लगभग नवंबर के लास्ट में या दिसंबर स्टार्टिंग में शुरू होगा, तो उसी का स्कोर कार्ड आया है और ये स्कोर कार्ड आया है एमफिल और पीएचडी के लिए, इस बात को सुन लीजिए। और उसमें भी 49 सब्जेक्ट का ही अभी स्कोर कार्ड हाजिर हुआ है, जाहिर हुआ है, प्रस्तुत हुआ है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इन 49 सब्जेक्ट्स के मैं नाम बताऊंगा आपको और साथ ही साथ कैसे अपना स्कोर कार्ड देखेंगे पूरा प्रोसेस वह भी समझाऊंगा। एमफिल पीएचडी कंपैरेटिव इंडियन लिटरेचर, इसका रिजल्ट आया है जिसमें मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज भी है। अडल्ट काउंसलिंग एजुकेशन अफ्रीकन स्टडीज़ एमफिल पीएचडी, मैं खाली एमफिल पीएचडी नहीं बोलूँगा, सब्जेक्ट नाम बोल दूँगा, अपने आप देख लीजिएगा। एंथ्रोपोलॉजी, अरबिक, बायोफिजिक्स, बॉटनी, बुद्धि स्टडी, कॉमर्स, ईस्ट एशियन स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, जेनेटिक, ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट्स के एमफिल और पीएचडी का स्कोर कार्ड आ चुका है। इसी के साथ ही साथ एमफिल पीएचडी में और सब्जेक्ट हैं, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट के एमफिल पीएचडी के कॉमन एग्ज़ाम हुए थे और कुछ विषयों में एमफिल की सीटें नहीं थी, केवल पीएचडी की सीटें थी, तो उनका पीएचडी का एग्ज़ाम हुआ था। लेकिन अभी मैं आपको जो सब्जेक्ट बता रहा हूँ वो एमफिल पीएचडी के कंबाइन एग्ज़ाम हुए थे उसके विषय में बता रहा हूँ। आने वाले सब्जेक्ट हैं म्यूज़िक, इसमें कई प्रकार के म्यूज़िक वाद्य यंत्र हैं, जैसे सितार है, डोंगरी है, गिटार है, संतूर है और आपके वायलिन है, इनकी प्रवेश परीक्षाएँ होती है, उसको देख लीजिएगा। और ये जो भी प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, इसका संबंध है दिल्ली विश्वविद्यालय से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आने वाले और सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री है, कर्नाटका म्यूज़िक है, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस है, लिंग्विस्टिक यानी कि भाषा विज्ञान मैथमेटिक्स, और उसके बाद है आपकी ऑप्शनल रिसर्च, फिर है आपका पर्शियन लैंग्वेज, फिर है पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पंजाबी, संस्कृत, सोशल वर्क, सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी, उर्दू लैंग्वेज, जियोलॉजी यानी कि भूविज्ञान। उसके बाद अब जो सब्जेक्ट आते हैं जो मैं अब बताऊँगा वह पीएचडी के सब्जेक्ट हैं, ओनली फॉर पीएचडी के, बायोकेमिस्ट्री, बायो मेडिकल साइंस, बिजनेस इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस, एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि पर्यावरणीय अध्ययन, फाइनेंशियल स्टडीज़, होम साइंस, लॉ, माइक्रोबायोलॉजी एंड लास्ट ऑन द लिस्ट फिजिकल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस, जो कि साइंस फैकल्टी में है। इन सभी सब्जेक्ट का रिजल्ट आया है, परीक्षाओं का परिणाम आया है और साथ ही साथ इनके स्कोर कार्ड को आप देख सकते हैं। स्कोर कार्ड देखने का तरीका बहुत सिंपल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने लिंक दिया है आपको, सीधा उस लिंक पे जाइएगा और लिंक को जैसे ही ओपन करेंगे एक नई विंडो खुलेगी। उसके अंदर आपको जब आपने एनटीए ड्यू का फॉर्म भरा होगा आपको दो चीज़ें मिली होंगी, एक फॉर्म नंबर और एक रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इस कॉलम में आपको जो नया पेज ओपन हुआ है आपके स्क्रीन पर, वहाँ खाली आपको अपना फॉर्म नंबर डालना है, अपना फॉर्म नंबर डालना है जो 9 डिजिट, 11 डिजिट या किसी का 12 डिजिट का हो सकता है, वह यहाँ पे नंबर डालिएगा और पासवर्ड के रूप में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको फिल कीजिएगा। आपका स्कोर कार्ड आपके सामने होगा, उसका प्रिंटआउट ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सेव कर देंगे तो उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होगा, जब मेरिट बनेगी, तब इस डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड भी करना है। तो इसीलिए इसको सेव करके रखिए, प्रिंटआउट निकाल के रखिए और कलर में ही प्रिंटआउट निकालिएगा, और अपलोड करने से पहले डॉक्यूमेंट्स पे सेल्फ अटेस्ट ज़रूर कर दीजिएगा। तो जो मैंने आपको सब्जेक्ट बचाए एमफिल और पीएचडी के, उसमें जिसका नाम है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका स्कोर कार्ड अच्छा आया है, खासकर जिनका 60 अबव आया है, उनकी ज़्यादा संभावनाएं हैं इंटरव्यू में सिलेक्शन होने की इन 49 सब्जेक्ट्स की। और इस 49 सब्जेक्ट्स का नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन का लिंक और स्कोर कार्ड कैसे पता करेंगे, सभी की जानकारी ड्यू की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी आपको,
और साथ ही साथ एनटीए की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी। लेकिन मैंने दोनों के लिंक नहीं दिए हैं, मैंने डायरेक्ट आपको लिंक दिया है कि स्कोर कार्ड कैसे पता कर सकते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एमफिल पीएचडी और पीएचडी के सब्जेक्ट्स के, और ये पहली लिस्ट आई है, पहला स्कोर कार्ड आया है। अभी और सब्जेक्ट का स्कोर कार्ड आना बाकी है, जो सब्जेक्ट छूट गए हैं इसके इतर उनका भी रिजल्ट जल्दी आएगा, क्योंकि पेपर लगभग 7 दिनों 6 दिनों में हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के और 3 शिफ्ट में हुए हैं, तो एक बार में सबका रिजल्ट आना भी संभव नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा और इस सूचना को शेयर कीजिए। और एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि कुछ वीडियोस में लोगों ने सवाल किए थे मुझको आंसर की को लेकर कि जेएनयू ने और दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने आंसर की को हटा दिया वेबसाइट से, क्योंकि इसीलिए हटा दिया है, कोई भी सूचना महीने 2 महीने या हफ्ते तक नहीं रह सकती है, क्योंकि सूचनाएं बहुत सारी हैं और लिमिटेशन बहुत, स्पेस बहुत कम होता है वेबसाइट्स के, और ज़्यादा बर्डन होने पर वेबसाइट जैम हो जाती है या सर्वर फेलियर हो जाता है। उस कंडीशन पर ही आंसर की हटाई गई थी, इस बात को समझिए। और वही सुविधा या असुविधा से बचने के लिए आप भी जल्द से जल्द अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करके रख लीजिए, उसका प्रिंटआउट ले लीजिए कि एज अ फ्यूचर जब आप इस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे इंटरव्यू से पहले, तब आपको कोई दिक्कत ना हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू, सीयू सेट के इंटरव्यू खासकर एमफिल पीएचडी के, और वर्धा विश्वविद्यालय के इंटरव्यू, जेएनयू के इंटरव्यू, इन 4 विश्वविद्यालयों के इंटरव्यू का पैटर्न, सिनॉप्सिस का तरीका, इसको लेकर मैं 1 या 2 वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, जो कि 5 नवंबर या 7 नवंबर से पहले आपको मिल जाएंगे, क्योंकि लगभग तभी इंटरव्यूज़ भी स्टार्ट होने हैं 2 या 4 नवंबर के बाद से, तो लगभग उससे पहले या लगभग 5 नवंबर ज़्यादा नहीं जाएगी। इंटरव्यू का पूरा पैटर्न, पूरा तरीका, और आर्ट्स के सब्जेक्ट होंगे उसमें, लैंग्वेजेस के विषय होंगे, सोशल साइंस के विषय होंगे, और साथ ही साथ उसमें प्रोफेशनल कोर्सेज खासकर एजुकेशन एंड मीडिया, साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, इससे संबंधित भी सिनॉप्सिस का क्राइटेरिया बताऊंगा, और साथ साथ जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वह भी बताऊंगा। उस वीडियो का वेट करिए, और जिन्होंने भी प्रवेश परीक्षा दी थी दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए, उन सभी को बहुत जल्दी से जल्दी अपना स्कोर कार्ड चेक कर लेना है, सेव करके रख लेना है, क्योंकि कभी भी अब रिजल्ट आ सकता है, अब आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में बदलाव नहीं हो सकता है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो उठा पटक हो रही है पिछले 5 दिनों से, वह आप भी देख रहे हैं। प्रो वाइस वीसी, वीसी और रजिस्ट्रार के मध्य में है, और ऊपर से राष्ट्रपति का इन्वॉल्वेशन, वह भी आप सभी समझ रहे हैं, तो विश्वविद्यालय में कुछ भी परिवर्तन कभी भी हो सकता है। और एक समस्या और है, सारे नोटिफिकेशन रात्रि में ही क्यों आते हैं, रात्रि में आते हैं, अगले दिन या पड़ता है सैटरडे या पड़ता है संडे, कि नोटिफिकेशन पे आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं, और यह नोटिफिकेशन भी रात्रि में आया है, दिन आपके समक्ष है शनिवार, और आज है छुट्टी, और कुछ गलत भी लगता है तो क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो इस नोटिफिकेशन को चेक कीजिए, अपना रिजल्ट दीजिए, और अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संदर्भ में होगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, और मानसिक रूप से सशक्त और मजबूत रहिएगा। कोई सवाल हो तो करिएगा, अच्छा ना लगा हो वीडियो तो डिसलाइक ठोक दीजिएगा। धन्यवाद और जय हिंद।